नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छठ पर्व का पूजा पाठ व्रत और नियम बताने वाली हूँ। सबसे पहले उन सभी माताओं बहनों बेटियों को भाइयों को जो छठ पर्व का व्रत शुरू करने वाले हैं, उनका व्रत मंगलमय हो, उनके परिवार की उनके पुत्रों की संपत्ति की रक्षा हो और आप सभी को छठ पर्व का ढेरों बधाई शुभकामना मंगल कामना हमारी तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको छठ माता का जो इन चार दिनों का जो व्रत होता है अनुष्ठान होता है उसके बारे में बता रही हूँ। चतुर्थी से ये छठ माता का व्रत शुरू किया जाता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए यानी ये नाम है, ये विधि है, उसको शुरू करते हैं। नहाए खाए यानी कि घर का कपड़े का अपने शरीर का बालों का सबका साफ सफाई विधिवत करते हैं, क्योंकि इन चार दिनों में ऐसी मान्यता है कि इन चार दिनों में घर की विशेष सफाई नहीं की जाती है, इसलिए नहाए खाए विधि में विशेष सफाई की जाती है चतुर्थी के दिन। पंचमी के दिन खरना व्रत यानी खीरनी खीर खा के ये व्रत किया जाता है, इसलिए खरना व्रत बोला जाता है पंचमी के दिन। तो जो भी व्रती हैं वो पूरे दिन नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद पूरे दिन व्रत करते हैं और संध्या के समय गुड़ की खीर बना के माँ षष्ठी माता को भोग लगाते हैं, कुमारी कन्याओं को खिलाते हैं, ब्राह्मण को भी खिलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आस पड़ोस नात रिश्तेदार को भी निमंत्रण दिया जाता है खरना तिथि पर, खरना त्योहार यानी जो खीर खिलाते हैं इस नाम से खरना पड़ा है, खीरनी भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो कुमारी कन्याओं को सबको खिलाने के बाद व्रती इस खीर को और मीठा भोजन यानी कि और भी कुछ मीठा फल इन सब चीज़ों को खा के विधिवत अगले दिन की व्रत की तैयारी करते हैं। तो इस व्रत को भी करते हैं अगला यानी षष्ठी का दिन। उस दिन से पूरे दिन तक और पूरी रात्रि तक और सप्तमी के सूर्य उदय होने के बाद तक 36 घंटे का व्रत किया जाता है निराजली निराहार। तो इस व्रत की तैयारी जो भी माताएं बहनें व्रती करते हैं वो काफ़ी दिनों से उत्साह से तैयारी करते हैं। जो षष्ठी का जो व्रत है उस दिन पूरे दिन तक यानी कि ये जो मैं आपको पर्व का पूजा बता रही हूँ इसका जो नहाने का विधि है इन चारों दिनों में बहते हुए जल में यानी किसी भी गंगा यमुना जो बहती हुई नदी होती हैं उनमें स्नान का काफ़ी महत्व है। वैसे भी कार्तिक चल रहा है, कार्तिक स्नान में सुबह का स्नान का जो मैं वीडियो दी हूँ उसमें भी बताई हूँ कार्तिक चल रहा है, तो कम से कम इन चार दिनों में बहते हुए नदी में नहाएं। जिनके यहाँ नदी काफ़ी दूर है वो पोखर तालाब में भी नहा सकते हैं, यानी कि घर से बाहर नहाने का काफ़ी महत्व है। जिन भाई बहन के यहाँ नदी नहीं है वो गंगा का अगर जल रखे हों तो वो भी साधारण जल में खुले जगह यानी बाथरूम वगैरह में नहीं नहाए इन चार दिनों में, खुले जगह यानी कि आंगन वगैरह में नहा सकते हैं, जहाँ से आसमान सूर्य चंद्र तारे दिखते हों वहाँ भी स्नान किया जा सकता है। तो षष्ठी के दिन पूरे दिन निराजली व्रत करने के बाद यानी कि घाट पर जहाँ भी अधिकतर जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ हर षष्ठी पूजा में भी कि ये व्रत अनुष्ठान पूजा तालाबों नदियों के किनारे होता है, तो माताएं बहुत उत्साह से इसकी तैयारी करती हैं। तो मैं आपको पूजन की जो कुछ सामग्री है उसको भी भाई बहनों को बता दे रही हूँ कि एक बांस की डलिया जिसमें पूजा की सारी सामग्री विधिवत रख लें और डलिया जो है उसको अच्छी तरह से सजाया जाता है, यानी कि डलिया जो बांस की रहती है वो सादी नहीं रहती है, कोरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसको सजाना चाहिए जैसे हम शादी ब्याह में सजाते हैं। तो हल्दी कुमकुम केसर इन सब चीज़ों को घोल के और बहुत सुंदर डलिया को सजाई जाती है। उस डलिया में सारे मिष्ठान यानी कि गुड़ से बना हुआ लड़ुआ लड्डू
नाशपाती फल में केला विशेष होता है और मौसम्बी ये सब फल, नींबू ये सब फल अच्छे से विधिवत रख लें। डलिया को कभी भी खुला ना रहे, यानी हम किसी को अगर कोई चीज देते हैं तो उसी व्यक्ति को दिखे, बाकियों को नहीं। व्रती पूजा वालों को दिखे तो कोई बात नहीं, तो आप घर से नदी तक उस डलिया को पीले वस्त्र से या लाल वस्त्र से ढक के ले जाएं, क्योंकि ये पूजा सूप में जो सूपा होता है उसमें रख के अर्पण किया जाता है माता हलषष्ठी को और भगवान सूर्य जी को। डलिया में भी अर्पित करते हैं, लेकिन सूपा का काफी महत्व है। सूपा में भी ले जा सकते हैं, पर सूपा में गिर सकता है, डलिया में विधिवत घाट तक ये सामान जा सकता है। वहां पर ले जाकर यानी कि लगभग 4 बजे ही घाट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर गन्ने का मंडप वगैरह तैयार करने में, पूजा सब तैयार करने में काफी समय लगता है। तो 3 से 4 बजे के बीच में ही घाट पर काफी भीड़ हो जाती है। माताएं बहनें भाई लोग अपना अपना जगह सुनिश्चित करके और गन्ने का मंडप बनाते हैं। गन्ना यानी पूरा जो हरा वाला भाग भी होता है, कहीं से कटा फटा ना रहे, पूरा ऊपर तक रहे। तो 4 गन्ना लेकर चारों तरफ गाड़ के और ऊपर से भी मंडप बना के और शुद्ध गाय के घी से दीपक वगैरह लगा के विधिवत पूजा किया जाता है घाट पर। और ये पूजा सूर्य की तरफ मुंह करके, यानी कि डूबते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके ही किया जाता है। वैसे बाकी पूजा उत्तर पूर्व में बैठ के किया जाता है, पर यह पूजा भगवान सूर्य को देखते हुए किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ छठ माता का पूजन व्रत विधि, आप इसको ध्यान से देखें। सूपा को भी उसी तरह से सजाएं, हल्दी कुमकुम केसर से अच्छे से सजा के उत्साह से सूपा को भी उसी डलिया में रख के ले जाएं। और अदरक का पौधा, हल्दी का पौधा, जैसे मैं गन्ने का पौधा भी बताई हूँ, ये सब चीजें भी डलिया में भर के भगवान को अर्पण किया जाता है। जल वाला नारियल, ये सभी चीजें आप विधिवत पूजा का सामान जो है हल्दी कुमकुम केसर ये सब भगवान को अर्पण करने के लिए जरूर ले जाएं। छठ घाट पर यानी कि भारतवर्ष में ये पर्व बिहार, झारखंड, यूपी के पूर्वांचल जितने भी जिले हैं वहाँ पर, नेपाल, इन सब जगहों पर काफ़ी उत्साह से मनाए जाते हैं। इन सब जगहों के स्थानीय जो लोग हैं, जहाँ भी भारत में हैं या विदेश में हैं, तो वहाँ भी छठ पर्व बहुत उत्साह से मनाई जाती है। जैसे कि हम जहाँ रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ बिलासपुर जिला अरपा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा छठ घाट के नाम से ही जाना जाता है। बहुत भाई बहन हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के यहाँ रहते हैं, तो वहाँ छठ घाट के नाम से ही वो जाना जाता है घाट। बहुत बड़ा सा मेला लगता है छठ के दिन। तो मैं उत्साह से बताना चाहती हूँ सभी भाई बहनों को कि वो कहीं भी रहें अपने पर्व को बहुत उत्साह से मनाते हैं। कई हमारे भाई बहन विदेश में भी हैं, विदेश में भी नदियाँ हैं, वहाँ पर भी उसी तरह से पूजा कर सकते हैं जैसे मैं उनको बता रही हूँ। और कोई कोई बहनें हैं जो कि परदेश में रह रही हैं, जैसे बॉम्बे है अपने भारत में ही और विदेशों में भी हैं, तो उनके पति जैसे कि अपने ड्यूटी पर चले गए तो अकेली नदियों में नहीं जा सकती हैं, तो वो घर में यानी जैसे छठ की पूजा होती है ललही छठ की पूजा, वैसे भी आप घर में भी पूजा कर सकती हैं, यानी आसमान के नीचे खुले जगह में जैसे बालकनी वगैरह है वहां भी आप पूजा विधिवत छठ माता की कर सकते हैं। वैसे मान्यता के अनुसार छठ व्रती को नया वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि छठ व्रती सिला हुआ वस्त्र न पहने, जैसे कि भाई लोग हैं तो वो धोती पहन सकते हैं, कुर्ता भी सिला हुआ रहता है, तो धोती को एक और रुमाल गमछा टाइप का है तो उसको अपने बदन पर शरीर पर ओढ़ सकते हैं। माताओं को तो ब्लाउज वगैरह सिला होना ही चाहिए, लेकिन हमारे जो दादी लोग थी जैसे कि मिर्जापुर जिला की, तो वो लोग क्या करती थी कि वो सिला हुआ वस्त्र नहीं, ब्लाउज को ऐसे ही बांध के किसी ढंग से पूजा करती थी। लेकिन माताएं तो ब्लाउज वगैरह सिला पहन सकती हैं, भाई लोग बिना सिला वस्त्र पहने। मान्यता के अनुसार जिस बर्तन में खीर बनाई जाती है वो नया होना चाहिए,
खीर का बर्तन, खीर का चावल भी नया होना चाहिए ये मान्यता है। ये जो खरना पंचमी का दिन का जो त्यौहार है उसमें नया बर्तन में नए चावल में खीर बनाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता रही हूँ छठ पूजन की विधि। छठ माता भगवान सूर्य नारायण की बहन है। वैसे भी पिछले एपिसोड में मैं बताई हूँ कि इस कार्तिक महीने में पंच देवी देवताओं का पूजन का बहुत महत्व है। भगवान सूर्य नारायण से ही इस पृथ्वी पर जीवन, वनस्पति, फूल, पौधे संभव हैं। अगर सूर्य की किरणें मनुष्य को, जीवों को, पेड़ पौधों को न मिले तो जीवन संभव नहीं है। कोई भी फूल, फल, अनाज की उत्पत्ति नहीं होगी, बंद हो जाएगी। इस वजह से भी हम भगवान सूर्य नारायण जी को धन्यवाद करने के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं कि देवता आपकी कृपा सदैव धरती पर बनी रहे और आपका जो प्रभाव है, ये किरणों का प्रभाव, ये हमारे ऊपर अनुकूल सदैव बनी रहे। छठ के दिन मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन किरणें दूषित हो जाती हैं तो हम उनका पूजा पाठ करके, ध्यान करके शांति के लिए भगवान से निवेदन करते हैं। मान्यता के अनुसार व्रती को इन चार दिनों में भूमि पर, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, यानी सोना चाहिए। पृथ्वी पर चटाई वगैरह बिछा के, ओढ़ने के लिए कंबल, कंबल को मोड़ कर ही तकिया बना के चार दिनों तक जमीन पर ही सोना चाहिए। उसी प्रकार से जो घर में व्रती हैं वो तो सात्विक भोजन करेंगे ही, पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, बूढ़े, बच्चे या और कोई जो व्रत धारण नहीं किए हैं, वो भी घर में सात्विक भोजन ही खाएं। बाहर भी अन्य प्रकार की दूसरी चीजें ना खाएं, बाहर भी ना खाएं, क्योंकि घर में अगर कोई व्रत अनुष्ठान हो रहा है तो बाहर भी खा के आप घर में ही आओगे, अशुद्धता बनी रहेगी। इसलिए लहसुन, प्याज और अन्य और भी चीजें जो आप खाते हैं जो कि सात्विक नहीं है, इन चार दिनों में न घर में बनाएं, न खाएं, न बाहर खाएं, नशीली चीजें भी न खाएं। ये माता षष्ठी वही माता है, जैसे कि ये पर्व छठ पर्व है, ये वर्ष में दो बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी में, यानी जब नवरात्र चल रहा होता है, जब हम षष्ठी का पूजा करते हैं कात्यायनी माता का, वो षष्ठी माता ही हैं। हम इन्हीं षष्ठी माता का नवरात्र के छठवें दिन भी पूजा करते हैं। छठ के दिन विधिवत सूर्य भगवान के तरफ मुंह करके पूजा करना चाहिए, उसके बाद अर्घ देना चाहिए। अर्घ में सात प्रकार के पुष्प होना चाहिए, जिसमें नीले और काले पुष्प नहीं होना चाहिए। सात प्रकार के पुष्प, सफेद तिल और लाल चंदन का चूर्ण और चावल का अच्छा जो कि टूटा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को कलश में, यानी जो हम जल देंगे भगवान को, ये विशेष जल है, आप इस जल को चार दिनों तक भी दे सकते हैं। तो ये विशेष जल हम तैयार कर लेंगे, कुछ सूत्र कलावा के भी इसमें डाल दें, फिर भगवान सूर्य नारायण को हम अर्घ अर्पण करते हैं, जो कि डूबते हुए सूर्य को ये जल अर्पण किया जाता है। उसके बाद सात परिक्रमा वहीं पर घूम के लगाया जाता है और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप करते रहना चाहिए। जल को चढ़ाने के बाद लोटे को नीचे रख लें, आंचल को अपने हाथ में लेकर, या जो भाई गमछा वगैरह लिए हैं वो अपने हाथ में पकड़ के, और भगवान श्री सूर्य नारायण जी की स्तुति अक्षत और फूल लेकर करना चाहिए, और गिरे हुए जल जहां जल गिरा है वहां पर रख के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ षष्ठी माता से भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है और पति की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, सब की सुरक्षा, लेकिन संतान की सुरक्षा विशेष इस व्रत से होती है। जिनको संतान नहीं होते हैं वो भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, ये काफी पुण्यदायी और फलदायी होता है ये व्रत। और शरीर में जो चमड़ियों के रोग होते हैं, भयंकर जो रोग, कुष्ठ रोग होता है,
उस रोग के निवारण के लिए भी ये व्रत किया जाता है, पौराणिक मान्यता है। कुष्ठ रोग और चमड़ियों के कई रोग से छुटकारा दिलाता है इस व्रत को करने से। तो मैं आपको छठ पूजा विशेष बता रही हूँ। छठ के दिन विधिवत पूजा संपन्न करने के बाद जो भी सामग्री माताएं, बहनें, भाई लोग ले जाते हैं उसको फिर से डलिया में भर के यानी भगवान को पहले अर्पण कर देंगे सूपा में रख के। उसके बाद जैसे कि नदी तालाब में या पोखर में हम जब भगवान को जल देते हैं या सामान को अर्पण करते हैं तो मान्यता के अनुसार कमर तक पानी में जाना चाहिए और फिर इन सब फलों को और जल को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद सभी सामग्री को पुनः डलिया में रख के ढक के घर वापस आ जाना चाहिए और घर पर आके माता षष्ठी का गीत और माता षष्ठी का जो व्रत कथा है वो उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कम से कम 12 बजे रात्रि तक जागना चाहिए। उसके बाद सुबह यानी कि सूर्य निकलने से पहले, जैसे हम बताए हैं कि शाम को 4 बजे पहुंच जाना चाहिए घाट पर, उसी प्रकार से 4 या 5 बजे के बीच सप्तमी के दिन घाट पर पुनः पहुंच जाना चाहिए और उगते हुए सूर्य को यानी जैसे मैं बता रही हूँ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन 4 दिनों में बहती हुई नदी में नहाना काफी पुण्य का फल प्राप्त कराता है। तो आप नए वस्त्र बिना सिले हुए वस्त्र पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप नदी में स्नान करके और उगते हुए सूर्य को जो पहली किरण होती है आपके ऊपर पड़े उनको अर्घ दें। इनको उषा सूर्य अर्घ देना बोला जाता है। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद परिक्रमा पूजा करने के बाद आप घर आएंगे। घर आने के बाद जो प्रसाद आप षष्ठी के दिन चढ़ाए थे उन सब प्रसाद को पहले ब्राह्मण को फिर बालकों को घर में आस पड़ोस में पहुंचवा देंगे, विधिवत दान कर देंगे। उसके बाद आप इस प्रसाद को खा के पारण करेंगे। मान्यता के अनुसार इन 4 दिनों में मंदिर में जाके पूजा नहीं किया जाता और घर में भी पूजा नहीं किया जाता, यानी कि जो व्रती हैं उनको घर में पूजा नहीं करना चाहिए। अन्य और कोई जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो घर की पूजा कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। सप्तमी के दिन ये पूजा पूर्ण माना जाता है। जब सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को आप जल दे दें यानी इन 3 दिनों में उगते हुए सूर्य को ही जल दिया जाता है, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। तो सप्तमी के दिन पूर्ण आहुति में जब पूजा कर चुके हैं, जल दे चुके हैं, तो माता षष्ठी और भगवान श्री सूर्यनारायण से आप प्रार्थना करें कि देवता हमारे इन 4 दिनों के पूजा में जो भी हमसे भूल, चूक, क्रोध या कोई मन में विकार आया हो उन सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और ये व्रत हम जिस कामना से किए हैं हमारी कामना की पूर्ति हो और आपके व्रति इस धरती पर बढ़ते जाएं। आपके व्रति को जितने भी व्रत धारण किए हैं उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाए। देवता और माता षष्ठी माता से प्रार्थना करके आप घर वापस आ जाएं। आप व्रत कथा प्रिय व्रत राजा जो हैं उनकी रानी मालिनी इनका व्रत कथा अवश्य पढ़ें। ये जो व्रत कथा मैं राजा रानी का आपसे पूरा नहीं कह पा रही हूँ, आप उनको कथा को जरूर पढ़ें क्योंकि पूजा के साथ पाठ करना अनिवार्य है। तो सबसे प्रचलित कहानी है प्रिय व्रत राजा उनकी रानी मालिनी। इन राजा रानी को पुत्र नहीं थे तो कश्यप ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने से रानी गर्भवती होती हैं। 9 महीने के बाद मृत पुत्र यानी कि पैदा होता है मरा हुआ पुत्र, तो राजा रानी काफी दुखित होते हैं। जब रानी गर्भवती थी तो काफी प्रसन्न थे राजा रानी। मृत पुत्र पैदा होने पर राजा रानी आत्महत्या करने हेतु नदी में कूदने जा रहे थे। उसी समय छठ माता प्रकट होकर राजा रानी को आश्वासन देती हैं कि हे राजा, हे रानी, आप दोनों छठ पर्व का विधिवत पूजा उपासना करें तो आपको दीर्घायु और स्वस्थ पुत्र जन्म लेगा आपके घर में। राजा रानी छठ माता की बात सुन के वापस आए, छठ का व्रत किए, पूजा अनुष्ठान दान पुण्य किए, उनके यहाँ सुंदर दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ, जन साधारण तभी से इस व्रत को कर रहे हैं।
तो आप इस कथा को पूरी तरह से पढ़ें, भगवान श्री रामचंद्र जी की भी कथा को पढ़ें, कर्ण की भी कथा है इसमें, उसको भी पढ़ें जितना आप पढ़ पाए, और माता छठ का गीत भी गाएं। हो सकेगा तो हम भी छठ माता का एक छोटा सा गीत आपको जरूर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।